नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और खास बात में आपका स्वागत है। आइए आज के लेसन में देखें गिटार कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न। फिल्म दस्तक से ये गीत है बैया ना धरो। इसे ओरिजिनली गाया था लता जी ने, म्यूजिक मदन मोहन साहब का था और लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी साहब का। गाना जो है डी शार्प मेजर में है और मैं बीट्स के साथ मैच करने के लिए अपने ही स्टाइल से बजाऊंगा। लेकिन अगर आप सारे ही ओपन कॉर्ड्स में बजाना चाहें तो केपो को 6th फ्रेट पे लगाएं और ए मेजर में बजाएं। लेसन के अंत में हम सारे कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न हमेशा की तरह जरूर समझने की कोशिश करेंगे। गाने के स्केल और कॉर्ड प्रोग्रेशन में कुछ खास बातें हैं और उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। गाने के लिरिक्स और कॉर्ड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आज का लेसन मेरा साथ देंगे संतूर पर गुरु नंदन जी पडुकुने। तो आइए देखें बैया ना धरो। आइए देखें गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स है। गाना डी शार्प मेजर यानी कि ई फ्लैट मेजर में है। आप चाहें तो यहाँ बजाएं, चाहें तो यहाँ बजाएं। इसके अलावा जी शार्प माइनर, जी शार्प मेजर, सी शार्प मेजर, ए शार्प मेजर और एफ मेजर। पर अगर आप ओपन कॉर्ड्स बजाना चाहें तो केपो को 6th फ्रेट पे लगा के ए मेजर में बजाएं, यानी डी शार्प मेजर की जगह ए मेजर, जी शार्प मेजर की जगह डी मेजर, जी शार्प माइनर की जगह डी माइनर और सी शार्प मेजर की जगह जी मेजर। इसके अलावा दो और कॉर्ड है, ए शार्प मेजर की जगह ई मेजर और एफ मेजर की जगह बी मेजर। आइए स्ट्रमिंग पैटर्न देख लें। ओपन कॉर्ड्स में वही पैटर्न है, तो आइए देखिए आज के लिस्ट में जो हमने स्केल यूज किया, जो कॉर्ड यूज किया, उनमें क्या खास बातें हैं। गाना जो है डी शार्प मेजर में है लेकिन पूरे गाने में स्टैंडर्ड मेजर स्केल यूज नहीं किया गया। गाने के मुखड़े में जो सबसे प्रोमिनेंट स्केल है वो आपका चालुक्यशी राग पे बेस्ड है। इस स्केल का वेस्टर्न म्यूजिक में इक्विवेलेंट जो है उसे एओलियन डोमिनेंट स्केल भी कहते हैं। इस स्केल में आपके सारे स्वर शुद्ध होते हैं, सिर्फ आपके ध और नी स्वर कोमल होते हैं। इस स्केल की खासियत ये है कि आपको एक मेजर स्केल और माइनर स्केल दोनों का फील देता है। चूंकि गा नोट जो है आपका शुद्ध है इसलिए आपका होम कॉर्ड जो है वो एक मेजर कॉर्ड हो जाता है। लेकिन मेजर स्केल के गानों में जो 4th नोट है उस पर एक मेजर कॉर्ड जनरली बजाया जाता है और इस गाने में भी बजाया गया है। अंतरे में जो स्केल यूज किया गया है वो प्राय प्राय एक स्टैंडर्ड मेजर स्केल है, लेकिन मुखड़े का जो स्टार्टिंग है वहां पर धा जो है शुद्ध की जगह चूंकि कोमल आ जाता है इसलिए आप 4th नोट पर जो है एक मेजर कॉर्ड की जगह माइनर कॉर्ड बजा पाते हैं, तो वो इस गाने को एक माइनर स्केल का फील भी दे देता है। तो आइए स्केल को थोड़ा डिटेल में देखें। तो आइए गाने के स्केल को समझें। गाना डी शार्प मेजर में है, स्टैंडर्ड डी शार्प मेजर स्केल में नोट्स होते हैं और इस गाने में स्केल के दो वेरिएशंस यूज किए गए हैं। मुखड़े में जो स्केल है उसमें नोट्स हैं आपके यानी कि सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, मा पा, कोमल धा, कोमल नी और सा। ये जो आपके नोट्स हैं राग चारुकेशी के नोट्स हैं।
गाने के मुखड़े में ये स्केल बहुत प्रोमिनेंट है और इसलिए मुखड़े में जो है आपको जी शार्प माइनर कॉर्ड मिलेगा, क्योंकि जी शार्प माइनर में जो नोट्स होते हैं वो स्केल के शुद्ध मा, कोमल धा और सा नोट्स को यूज कर लेते हैं। लेकिन गाने में कई जगह जी शार्प मेजर भी यूज किया गया है और वो उस वक्त होता है जब गाने में कोमल धा की जगह शुद्ध धा यूज नोट किया जाता है। ये आपका शुद्ध धा है, ये आपका कोमल धा है। जहां जहां शुद्ध धा है वहां पर जी शार्प मेजर कॉर्ड है, जहां जहां कोमल धा है वहां पर जी शार्प माइनर कॉर्ड है। तो जैसा भी आपने देखा डी शार्प मेजर स्केल होते हुए भी जो है गाने में जी शार्प मेजर कॉर्ड भी यूज किया गया, जी शार्प माइनर कॉर्ड भी यूज किया गया। ऐसे बहुत से गाने हैं जो कि राग चारुकेशी पर बेस्ड हैं और मैंने बहुत से लेसन बनाए हैं जिनमें स्केल यूज किया गया है, आपको उनके लिंक्स में दूंगा, आप उन्हें देखें आपको अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूं इन बातों से आपकी जानकारी बढ़ी और आज का लेसन भी पसंद आया। हमेशा की तरह अपने सवाल और कमेंट्स मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगले हफ्ते खास बात में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।